खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। मैं हूं निधिया और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन को भागलपुर से सहरसा जेल शिफ्ट किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बाहुबली पूर्व सांसद को सहरसा जेल से भागलपुर केंद्रीय जेल शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद आनंद मोहन जेल में ही अनशन पर बैठ गए थे। वहीं अब रविवार की सुबह उन्हें विशेष केंद्रीय कारा के से सहरसा वापस भेजा गया है। 2 महीने के लिए पूर्व बाहुबली सांसद को बीते 21 अक्टूबर को सहरसा जेल से भागलपुर लाया गया था। किसान कृषि कानून के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन, तो पीएम ने मन की बात के जरिए नए अधिकार और नए अवसर के बारे में बताया। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में किसानों का जिक्र किया और कृषि कानून और पराली की समस्या के बारे में कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून के बारे में कहा कि किसान को भ्रम और अफवाहों से दूर कर कानून की सही जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून के जरिए किसानों को नए अधिकार मिले हैं। इस अधिकारों ने किसानों की समस्याएं कम करना शुरू कर दिया है। भीषण रोड एक्सीडेंट घटना स्थल पर ही 2 युवक की दर्दनाक मौत। जिले में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई है। पटना से आ रही एक बस ने 2 युवकों को कुचल दिया, इसके जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इस घटना की खबर मिलते ही मृतकों के घर में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। स्थानीय पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश में लगी हुई है। ट्रिपल मर्डर के आरोप में पुलिस ने अपराधियों को दबोचा। कल बाहुबली विधायक के करीबियों को मारी थी गोली। गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने 2 नामजद अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए दोनों आरोपी गुड्डू राय और राजू राय से पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। बिहार में मिले फिर से कोरोना के 606 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 23,51,059। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 606 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़कर 23,51,059 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,191 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। नीतीश को बताया महा जंगल राज के महाराज। बोले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म, अपराधियों की बहार। गोपालगंज में दिन दहाड़े डबल मर्डर और राजधानी पटना में सरेआम बीच एक महिला की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सुशासन बाबू को महा जंगल राज के महाराज करार दिए हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। राजधानी में दम फूल रहा, देश में सबसे खराब हवा पटना की। पटना में जहरीली हवा या वायु प्रदूषण के मामले में पटना देश की सबसे टॉपर राजधानी बताई जा रही है। पटना की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि AQI लेवल 350 पर जा पहुंचा है। LJP स्थापना दिवस पर पार्टी सांसदों ने भी चिराग पासवान से बना ली दूरी। कोई दिल्ली में तो कोई मुजफ्फरपुर में का किया बहाना। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की कार्यप्रणाली को लेकर पार्टी के अंदर भी भारी नाराजगी दिख रही है। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के दिन भी सांसदों ने चिराग से दूरी बना ली है। चिराग के साथ सिर्फ उनके सांसद भाई प्रिंस पासवान ही दिखे। लोजपा सांसदों ने स्थापना दिवस कार्यक्रम तो मनाया, लेकिन चिराग पासवान के साथ नहीं। बिहार सरकार का नया आदेश, बैंड बाजे के साथ बारात निकालने की अनुमति। विवाह में 150 लोग हो सकते हैं शामिल। बिहार में कोरोना संकट को देखते हुए कई नियम बनाए गए थे, जिसमें आने वाले दिनों में शादियों में अधिक भीड़ ना लग सके, इसके लिए पूर्व में जारी आदेश को अब बदल दिया गया। बैंड बाजों के साथ बारात निकलने की अनुमति। विवाह में अब 150 लोग शामिल हो सकते हैं।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की पहल, माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पटना जिले के बिहटा प्रखंड के अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने अपने वाहन से जागरूकता अभियान चलाया। वहीं शुरुआत बिहटा चौक से करते हुए पूरे प्रखंड के अलग अलग जगहों और चौक पर खुद से माइकिंग के जरिए जागरूक करते हुए लोगों को दिखे। लोगों से आग्रह किया कि शादी विवाह या अन्य कोई आयोजन में कम से कम लोग शामिल हो और इस महामारी से बचकर रहें। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।